नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ आकाश खुराना। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना के मामले जो हैं बढ़ने लगे हैं। मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 157 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम जिले में अब एक्टिव केस जो हैं 719 हो गए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाजार में, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं अभी भी बिना मास्क के जो हैं यहाँ पे घूम रहे हैं। कोरोना के मामले जो हैं एक बार फिर बढ़ने लग गए हैं। जिस तरीके से दूसरी लहर में देखे थे क्या हालात जो हैं गुरुग्राम के और अन्य राज्य की बात करें तो वहाँ के हो गए थे, तो काफ़ी लोगों ने जो है अपनी जान भी जो है उसमें गंवाई थी। तो ऐसे में अब आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने जो है अभी मास्क भी जो है नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। आम लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। एक बार फिर कोरोना के मामले जो हैं बढ़ने लगे हैं, किस तरह देखते हैं? ये लोगों को अपने आप को खुद को जागरूक रहना चाहिए। जैसे 2 साल से चल रहा है, अब ये मामले ख़त्म होने लगे तो इन लोगों ने सबने द्वारा वही बिना मास्क के, बिना कोई सैनिटाइज के, बिना कोई 2 गज की दूरी के सब नियम वही कर दिए। सरकार ने जो जब ढीला छोड़ देती है तो लोग ज़्यादा अपने अवेयर हो जाते हैं, दोबारा इसलिए दिक्कतें आ जाएंगी। जिस तरीके से गाइडलाइंस भी सारी ख़त्म कर दी गई और मास्क पे जो चलान है वो भी अब बंद कर दिया गया, मास्क ना लगाने पर, तो अब ऐसे में ढिलाई जो है छोड़ दी गई, तो कितनी लापरवाही आप सामने आएगी और इस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या किस तरह देख? इसमें प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है। प्रशासन बार बार क्या क्या चीज़ सिखाए, एक बार प्रशासन ने बता दिया अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो मास्क रखना, सैनिटाइजर, लेकिन लोगों को बार बार एक ही चीज़ कैसे बार बार सिखाई जाए। लोग खुद ही इस बात को नहीं मानते कि ये चीज़ की दिक्कत है, इस चीज़ से आपको खुद को नुकसान है, लेकिन हर चीज़ प्रशासन पर नहीं डाली जा सकती। कि प्रशासन अगर सख्ती करेगा जब भी मास्क पहनेंगे, ये तो खुद को भी सोचना चाहिए। सदर बाज़ार की बात करें तो आप भी सदर बाज़ार में आते हैं यहाँ पे, तो किस तरह देखते हैं आप लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? सदर बाज़ार के अंदर तो 0% ही है मास्क लगाना, कोई भी सदर बाज़ार में कोई मास्क नहीं लगा के रखता। बड़ी मुश्किल से ही कोई अब लगाता है जब सरकार या प्रशासन कोई चलान काटता है, जब सारे 90% लोग लगा लेते हैं। लेकिन अभी इस टाइम फिलहाल आज के दिन के अंदर जिस टाइम कोरोना के 150-200 के करीब होने शुरू हो गए हैं तो लोग अभी कोई जागरूक नहीं हुए। देखिए और भी लोग हैं उनसे जान लेता हूँ, आप बताएं मैम जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो किस तरह से आप देखते हैं सेफ्टी बरतनी चाहिए? सेफ्टी रखना जरूरी है सर, आपके लिए भी, हम सब के लिए। अब देखा जाए तो बच्चों को भी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आने लग गई है और अब 2 साल से हम मास्क लगा रहे हैं, एकदम सबने लगाना छोड़ दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ। लगातार कोरोना की वैक्सीन जो है वो भी लगाई जा रही थी और बच्चों की भी जो वैक्सीन अब आ गई है, तो इस लेकिन अब फिर जो है मामले एक बार फिर बढ़ने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे? सर ये चीज़ तो ये है कि लोगों को जागरूकता देनी चाहिए, वो वैक्सीन का पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें। देखिए लोगों का भी यही कहना है कि मास्क जो है लगा के रखना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जान लेता हूँ कि सर आप भी सदर बाज़ार में आए हैं तो मास्क लगाना आप मानते हैं कि अब मामले जो है एक बार फिर बढ़ने लग गए हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? देखो मास्क क्या स्टार्टिंग, हमें तो ये पता नहीं चला कि गवर्नमेंट ने हटाए क्यों, या तो लागू होना था जैसे एलेक्शन शुरू हुए उसके बाद मास्क धीरे धीरे हटने शुरू हो गए और फिर जिस हिसाब से केसेस ऊपर पड़े तो मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए और जिस पर जैसे पहले भी था चालान होगा ये होगा, इस पर सब लोगों को पालन करना चाहिए। सरकार ने मास्क ना लगाने पर चालान भी जो है हटा दिए, तो अब ऐसे में ढिलाई जो है और बढ़ती जा रही है, मामले फिर बढ़ने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखो इसमें फिर जैसे पहले था कि इसको थोड़ा सख्ताई से लेके कि बड़ी मुश्किल से स्कूल अभी ओपन हो चुके हैं, 2 साल से अभी ओपन हो रहे हैं, तो फिर बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए अभी स्टार्टिंग से ही टाइट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा तो यही सुझाव है फिलहाल। देखिए लोगों को भी यही कहना है कि सरकार को जो है जो मास्क लगाने पर चालान जो है, मास्क ना लगाने पर अब चालान जो है नहीं काटे जा रहे, तो ऐसे में लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो जाएं तो मास्क का प्रयोग जो है वो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो करें, साथ में सैनिटाइज़र का प्रयोग जो है वो करें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से जो है मास्क मुँह पर ज़रूर लगाएँ। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।